नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, वीर शहीदों को अर्पित किया श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित। लखनऊ में सोमवार को काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित काकोरी शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, म्यूरल प्रदर्शनी व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की थीम पर डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन, अभिलेख प्रदर्शनी व पुस्तिका के विमोचन सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं वर्षगांठ पर मैं देश की स्वाधीनता के लिए स्वयं को बलिदान करने वाले अमर हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 फरवरी 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश भर में इस तरह का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान व उनके त्याग का महत्व पता चल सके, जिससे प्रेरणा लेकर व देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि अमृत महोत्सव का मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्प का अमृत तथा आत्मनिर्भरता का अमृत। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अमृत महोत्सव के यही पंच सूत्र दिए हैं। उन्होंने अमृत महोत्सव के महत्व को बताते हुए कहा किस तरह की आयोजन से नई पीढ़ी उन सभी घटनाओं व क्रांतिकारियों की गतिविधियों से अवगत होगी व प्रेरणा लेगी जो अंग्रेजों से लड़ते हुए घटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी एक्शन में 4,600 रुपये की लूट का सच सामने लाने के लिए अंग्रेजों ने 10 लाख खर्च किए थे। इससे पता चल सकता है कि अंग्रेज कितने दमनकारी थे। काकोरी एक्शन की कहानी हमें सदैव इस बात का एहसास कराती है कि देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं। हर भारतीय का ये दायित्व है कि हम देश की इस आज़ादी को हर साल में सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सभी क्रांतिकारियों के बलिदान व त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के श्रृंखला के तहत काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ का भी आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी घटना की वर्षगांठ पर लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी। यहां पर सोमवार को स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, म्यूरल प्रदर्शनी व चित्रकला प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन थीम पर वृत्त चित्र के प्रदर्शन, अभिलेख प्रदर्शनी व पुस्तिका के विमोचन सहित अन्य कार्यक्रम भी हुए। काकोरी के शहीद स्मारक इस आयोजन में शहीदों की वीर गाथा ओपन थिएटर में दिखाई गई और शहीदों की याद में प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, आशुतोष टंडन तथा विधायक जयदेव सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। फांसी के
नई जेल में रोशन सिंह और गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ वाघेली। 19 दिसंबर 1927 से ठीक एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी मां उनसे मिलने के लिए शाहजहांपुर से गोरखपुर जेल चली आती है। बिल्कुल अकेले बिस्मिल जी वो बूढ़ी मां जिसने जिंदगी में कभी शाहजहांपुर से बाहर कदम नहीं रखा था वो अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में चली आती है। ये जानते हुए कि अगले दिन उसका बेटा फांसी पर चढ़ने वाला है। रामप्रसाद बिस्मिल कतरी एक्शन के नेता थे। उनकी मजबूती मिसाल थी। उनका चट्टान का साहस बहुत मशहूर था। पूरे मुकदमे के दौरान पूरे एक्शन के दौरान किसी ने उन्हें अधीर होते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब बिस्मिल ने पहली बार अपनी मां को जेल में आते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को संभाल नहीं सके, भावुक हो गए। मगर जब बिस्मिल की मां ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो कमजोर पड़ने के बजाय उस मां ने अपने तेवर कड़े किए और अपने बेटे से बोली कि बेटा मैं बाहर सबसे कहती हुई आई हूं, बेटा देखना मेरा लाल मेरा रामप्रसाद कैसे हंसते हुए फांसी पर चढ़ेगा और तुम यहां रो रहे हो। मैं तो सुनती थी कि बड़ा बहादुर है मेरा बेटा। इसलिए मैं जब मां के ये वचन सुने तो अपने आप को संभाला, अपने आंसू पोंछ लिए और फिर बोले मां मैं फांसी के डर से नहीं रो रहा, ये आंसू तो